हेलो, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर ईशा और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स में। इन केस आप प्रेग्नेंट हैं ड्यूरिंग 2020, इस टाइम में जहाँ पर कि सिर्फ एक ही सिनेरियो है, जहाँ पर सिर्फ एक ही बातें चल रही हैं, वो है कोरोना की, तो हम लोगों को किस तरीके से अपना ध्यान रखना है, कैसे फर्स्ट 3 मंथ्स जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस है आपके फीटस का, किस तरीके से हमें क्या डाइट लेना चाहिए, किस तरीके से हमें कौन कौन से सप्लीमेंट्स जो ज़रूरी हैं और किस तरीके से हमें अपने डिलीवरी के लिए भी बिफोर हैंड प्लान करना है, क्योंकि इस सिनेरियो में आपको बहुत ही दिमाग से अपना जो है हॉस्पिटल भी सिलेक्ट करना है एंड एवरीथिंग जो है प्री प्लानिंग से चलेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए बिकॉज इसमें मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आजकल मैं क्या देख रही हूँ कि ओपीडी में जो पेशेंट्स आ रहे हैं, इनफैक्ट अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनका सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब ऐसे टाइम पे मैं प्रेग्नेंट क्यों हो गई, बहुत ज़्यादा टफ टाइम चल रहा है, पता नहीं मेरी प्रेगनेंसी क्यों हो गई। तो ये चीज़ भी मैं अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर गॉड ने आपको सेलेक्ट किया है इस टाइम पर प्रेगनेंसी के लिए तो ये बहुत ईजीली आपका टाइम जो है उसी में निकल जाएगा, आपको फालतू की बातें सोचने के लिए टाइम नहीं रहेगा, आपका दिमाग और आपका ध्यान जो है वो अपने बच्चे के साथ, इस तरीके से आपको अपने डाइट का ध्यान रखना है, ये सब कुछ में ही रहेगा। और हाँ जी, आप बिल्कुल भी न्यूज़ जो है वो मिनिमल देखिए। अब मैं इसमें छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं बताने वाली हूँ, जिस तरह कि आप सब लोग जानते होंगे आपने हैंड सैनिटाइज करने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, इन केस अपने फैमिली मेम्बर्स जो कि बाहर रेगुलरली विजिट कर रहे हैं इन केस तो आपको उनसे भी थोड़ा सा गैप बना करके रखना है, मास्क भी यूज़ करना है, ये सब चीज़ें, सोप्स को यूज़ करना है, ये सब चीज़ें जो है ये आपको मल्टीपल ऑफ टाइम्स, अब तो बहुत ज़्यादा कहीं पे भी आप ये ऑलरेडी ये देख चुके हैं, तो ये सब चीज़ें जो मैं अब यहाँ पर अब आपको डिटेल में नहीं बताने वाली। और जी हाँ, प्रेगनेंसी में बड़ा क्वेश्चंस जो है पेशेंट्स के माइंड में होता है कि प्रेगनेंसी में क्या इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल, प्रेगनेंसी में इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है। क्यों वीक हो जाता है? बिकॉज हमारे अंदर भी एक जान पल रही है, उसको जो भी अपना न्यूट्रिशन चाहिए, बच्चे ने अपना सारा न्यूट्रिशन ले लेना है। मदर अगर कम खा रही है तो उसका इफेक्ट बच्चे पे इतना ज़्यादा नहीं पड़ने वाला बिकॉज बच्चे ने वो सब कुछ ग्रैब मदर के अंदर से कर लेना है। तो इसलिए मदर को चाहिए, आपके बच्चे को तो आपके थ्रू ही चीज़ें मिलेंगी, तो आपको हेल्दी डाइट जो है अपनी वो स्टार्ट रखनी है। अब प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स प्रेगनेंसी में, जबकि इन 3 मंथ्स में आपको टमी भी नहीं दिख रहा है, ना ही किसी फैमिली मेम्बर को दिख रहा है, तो आप इसको लाइटली भी ले सकते हैं। आपको लगता है शायद बच्चे की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, बट इन फर्स्ट 3 मंथ्स ऑर्गेनोजेनेसिस का वर्क चल रहा होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स ऑर्गन जनरेशन, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे कि कार्डियक पोल बन जाता है बच्चे का, हार्ट जो है उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसके 4 चैम्बर्स की डेवलपमेंट हो रही है, इसी तरीके से ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में एक डे जो सिंगल सिंगल डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन फर्स्ट 3 मंथ्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए बॉडी को वो है फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है? फॉलिक एसिड हमें मिल जाता है प्रॉपर डाइट से। जी हाँ, जो भी चीज़ें हमें प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट हैं वो सब चीज़ें हमें जो है डाइट से मिल जाती हैं। और डाइट किस तरीके की फॉलो करनी है, जो मैं अपने पुराने वीडियोज में हमेशा बताती आ रही हूँ, देर इज़ अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दैट। डिप डाइट को है जो आपको डेली फॉलो करना है, जिसमें फ्रूट्स फ्रूट इंटेक बहुत ज़्यादा आपको लेना है, फ्रूट इंटेक और सारा पीछे सारा एक्सप्लेन आपको किया है, किस तरीके से सैलड एंड रॉ वेजिटेबल्स भी आपको लेना है, किस तरीके से आपको इस डाइट को फॉलो करना है। इस डाइट को फॉलो करने का साइंटिफिक रीज़न ये है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में हमें फॉलिक एसिड बहुत चाहिए। ऑरेंजेस में बहुत अच्छा फॉलिक एसिड है, लेमन में बहुत अच्छा फॉलिक एसिड है, देन एप्पल ऑल्सो इज देयर, पाइन एप्पल इज ऑल्सो देयर। तो जब आप फ्रूट्स को ले लेते हैं, आपको दिमाग में ये चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में मेरे लिए फॉलिक एसिड इंपॉर्टेंट है, देन आफ्टर दैट आयरन, कैल्शियम, एवरीथिंग। प्रेगनेंसी में मोस्टली जो है आपको इस तरह के मल्टीविटामिन ही प्रोवाइड किए जाते हैं इन केस आप ठीक ठाक हैं। तो क्यों ना उन मल्टीविटामिन को हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में से लेकर अपने बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लें, और ये किया जा सकता है। इन केस आपको लगता है कि नहीं, मेरी फैमिली कंडीशंस ऐसे नहीं है या मेरी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही हैं, या इतना ग्राम जो है मैं वो फ्रूट अकेली नहीं खा सक रही हूँ, या मैं नहीं मांग सक रही हूँ, इन एनी सिनेरियो फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको फोलिक एसिड की टैबलेट ले लेनी है। टैबलेट फोलिक 10 mg 1 ओडी, एक रोज की 10 mg की टैबलेट आपको रेगुलरली ले लेनी है, दैट इज इनफ। और उसके साथ साथ अगर आप अपनी डाइट भी रखते हैं तो उसके ऊपर की कोई चीज़ नहीं है, और अगर अपनी डाइट ही बहुत अच्छी रख लेते हैं तो इनफैक्ट
फोलिक एसिड की भी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक हो गई, इन सब चीज़ों से आपको ऑलरेडी फोलिक एसिड जो है वो मिल रहा है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में हमें सिर्फ ये चाहिए। कुछ केसेस में जो नॉजिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो उन केसेस में एक सिंगल टैबलेट होती है जो आप अपने डॉक्टर से लिखवा के रख सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि इस बार प्रेगनेंसी और डिलीवरी के लिए आपको बिफोर हैंड प्लानिंग करनी पड़ेगी। अपनी डिलीवरी के लिए आपको एक हॉस्पिटल बिफोर हैंड ही चूज़ कर लेना चाहिए, जिसके डॉक्टर के साथ आप बिल्कुल फ्रेंडली हैं, मोर ओवर नॉलेजेबल डॉक्टर है, आपको ऑन कॉल जो भी मेडिसिन्स वगैरह हैं वो बता दें, जिसके कारण आपको बार बार जो है वो विजिट ना करना पड़े हॉस्पिटल में। बिकॉज हॉस्पिटल में आप जानते हैं कि आपका वेट चेक होता है, ब्लड प्रेशर चेक होता है, बीपी मॉनिटर के लिए आप अपनी मशीन ला सकते हैं, और अगर आप डाइट डिप डाइट फॉलो करते हैं तो बिलीव मी आपको ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है आपका 12 kg वेट जब से स्टार्ट हो रहा है टिल 9 मंथ्स जो है 12 kg वेट ऑलमोस्ट गेन हो जाता है, होना चाहिए। तो आप अपना वेइंग मशीन में अपना वेट चेक कर सकते हैं, इन केस आपको कोई इश्यूज नहीं है। अगर कोई इश्यूज हैं या एसिडिटी रह रही है, अगर आप डिप डाइट को फॉलो करेंगे ऐसी एसिडिटी की प्रॉब्लम्स आपको वैसे नहीं रहेंगी। होम कुक मील्स आप यूज़ करेंगे, देन बीन्स जो होती हैं व्हाइट रॉन्ग भी होती है उसमें फोलिक एसिड बहुत अच्छा होता है, राजमा में होता है। होम कुक मील्स एंड होम कुक पल्सेस एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर आप प्रॉपरली लेते हैं तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम भी मोस्टली प्रेजेंट करते हैं एसिडिटी की प्रॉब्लम के साथ, तो हम जेलोसिल वगैरह भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ध्यान रखना है, इसी तरीके से आपको अपना सेकेंड ट्राइमेस्टर में आयरन कैल्शियम जो है अगर आप टैबलेट फॉर्म में लेते हैं, मोस्टली ऐसा कई बार हो जाता है तब भी HP जो है कम ही रह रहा है, बहुत सी आयरन की टैबलेट्स खा रहे हैं तब भी HP कम रह गया। आप जानते हैं कि आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन सी बहुत ज़रूरी है, अगर विटामिन सी प्रॉपर नहीं है आपकी बॉडी में तो फिर आयरन कंटेंट भी जो है वो आपका प्रॉपरली पूरा नहीं हो, कभी एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी। तो अगर आप ऑरेंजेस ले रहे हैं तो विटामिन सी भी ले रहे हैं, अगर आप एप्पल ले रहे हैं तो आयरन भी ले रहे हैं। तो जब हम नेचुरल चीज़ें लेते हैं तो हमें ये सोचना बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के नहीं पड़ता कि आयरन के साथ विटामिन सी ज़रूरी है, ऐसा कुछ सोचना नहीं पड़ता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो अगर आप अपनी डाइट को ही ठीक कर लेते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स बहुत इजीली हो जाते हैं। एंड सेकेंडली जो अल्ट्रासोनोग्राफीज हैं जो आफ्टर 3rd मंथ करवानी है, जिस तरीके से भी आपके डॉक्टर्स गाइड करते हैं वो आपको करवानी है वो आप करवाइए। और कोशिश ऐसा कीजिए कि इस तरह के सेंटर्स पर जाइए जहाँ पर बहुत ज़्यादा और पेशेंट्स विजिट नहीं कर रहे हैं। हॉस्पिटल भी ऐसा चूज़ करिए जो फॉर ऑप्स ही है, फॉर गायनी पेशेंट्स ही है। बहुत ज़्यादा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हर तरह के पेशेंट्स आएंगे और आपको इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। और लास्ट में अगर आपको गॉड ने ऐसा गिफ्ट ऐसे टाइम पे दिया है तो उसको कभी भी डिनाई मत करिए, उसको हैप्पीली एक्सेप्ट कीजिए और उसके लिए वर्क कीजिए। जब लोगों को ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही मिल रही हैं आपको, तो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिली है और आपको एक बहुत अच्छा काम भी मिल गया जहाँ पर आप लगे रहेंगे और इजीली ये 9 मंथ्स आपके कट जाएंगे। और इन केस अगर आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी को थोड़ा सा डिले कर दीजिए, लेट इट सेटल एवरीथिंग, सब कुछ सेटल होने दीजिए। और प्रेग्नेंट लेडीज़ में एंग्जाइटी और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देखा गया, अपने आप को एंग्जाइटी और स्ट्रेस से दूर रखने के लिए घर में तो आप रह ही रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल चीज़ें देखिए रादर देन न्यूज़। न्यूज़ आपके लिए नहीं बनी है, जो भी आपके काउंटर पार्ट्स हैं या आपकी फैमिली है वो सब कुछ इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, तो आप सिर्फ पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहिए। और जैसे कि हम जानते हैं इवन इन एनिमल्स हर्ड्स में क्या होता है कि जो यंग होते हैं और बड़ा हेल्दी होते हैं वो आगे आगे रहते हैं, जो प्रेग्नेंट एनिमल्स एंड एवरीथिंग होते हैं वो पीछे पीछे रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो इसी तरीके आपको भी प्रोटेक्टेड रहना है, पीछे पीछे रहना है इन 9 महीनों में। इनकेस आप वर्किंग है तो आप वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए, किसी तरीके भी आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं लेनी है। और अपना एक्सपोजर प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन केयर, तो प्रिवेंट करके अपने आप को रखिए एंड एन्जॉय योर प्रेगनेंसी, क्योंकि इसमें आपको और कोई काम नहीं है, सिर्फ घर में रहना है, होम कुक मील्स खाने हैं और अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखना है। तो इन केस यू लाइक दिस वीडियो जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच।